हेलो एंड वेलकम टू कारखाना दोस्तों, मेरे फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और मैं वापस आ चुका हूँ संजय भैया के पास, यानी कि अपने इंडियन ऑटो एसेसरीज पे। और कार एसेसरी शॉप है, आप सामने यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अपने पास जो गाड़ियाँ लगी ना, ये दोनों पंच लगी हुई हैं। इन दोनों पंच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये सब आपको दिखाऊँगा मैं। बजट मॉडिफिकेशन रहने वाला है अपने पास ये। और इन दोनों गाड़ियों में ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज इसका हमने सिस्टम हैंग किया है या फिर इसको बेस टू टॉप लेके गए, ऐसा नहीं है। लेकिन बजट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपका कम से कम का जो बजट होगा, यानी कि लगभग अंडर 25,000, आप उस अंडर 25,000 में क्या क्या चीज़ें करवा सकते हो, ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको मिल जाएगा। संजय भैया अपने साथ है, संजय भैया का मैं बोलूँगा। संजय भैया बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से। एक नहीं, हमने दो दो पंच लगाई इस बारी। दोनों में क्या क्या काम किया, जैसे कि मैंने अगर जैसे वीडियो में बताया अंडर 25,000 हमने काम किया है, गलत हाँ, यही मतलब दोनों पंच का समथिंग इतना ही बिल है। ठीक है, 25-26 के आसपास का, दो एक मतलब एक गाड़ी का 25-26 के आसपास का बिल है। मतलब दोनों का ही 50-52 के आसपास, वो तो दोनों का अलग मतलब मिलाने के बाद, बट इसका दोनों ही काम इसमें लगभग 25-26,000 का हुआ है, इसमें 25-26,000 का काम हुआ है। अब कुछ काम इसमें हुआ है, कुछ काम उसमें नहीं हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस वाली पंच को ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम दिखाना शुरू करेंगे। इस वाली पंच को दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर लगाया गया मिंडा का फॉग लाइट वायरिंग के साथ। ये उनो मिंडा फॉग लाइट है, ये ब्रांड आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर लगाया गया है ग्लोसी किट, जो होता है इसका ग्लोसी किट लगाया गया है। ठीक है, ग्लोसी किट के बाद इसमें लगाया गया है, साइड से चलते हैं तो आपको साइड से दिखाना चाहता हूँ, इसमें विल कवर लगाया गया है। विल कवर के बाद ये ORBM मिरर जो है ग्लोसी किट का हिस्सा है, ये ORBM का जो ग्लोसी किट का हिस्सा है। उसके बाद इसका हैंडल और हैंडल बाउल लगाया गया है। ये डोर गार्ड लगाया गया, डोर गार्ड अलग होता है, ग्लोसी किट में नहीं होता है, मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये डोर गार्ड लगाया है। डोर गार्ड के बाद इसमें लोअर गार्निश लगाया है, जो 6 पीस का सेट आता है, ये 6 पीस वाला है, 6 पीस वाला है। लोअर गार्निश के बाद इसके अंदर गैलियो कंपनी का ब्रांडेड डोर वाइजर लगाया गया है क्रोम लाइनिंग के साथ। ये रूफ रिल आपको बताना चाहूँगा जो गैलियो ब्रांड का ही रहने वाला है, लोकल नहीं है। उसके बाद इसमें लगाया गया है, ये जो है ना, ये ग्लोसी किट का हिस्सा है, टेल लाइट के ऊपर जो लगा है, ये एक ग्लोसी किट का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद इसमें लगाया गया स्पॉइलर, लगाया गया इसके अंदर स्पॉइलर के स्पोर्टी लुक में है। ये भी आपको दिखा दूं मैं, ऊपर के एंगल से करें पकड़ेंगे जरा इसको, ये आपको दिखाऊं मैं जरा वाइड एंगल से, आप इस तरह से देख सकते हो, पूरा स्पोर्टी लुक में है ये। और गाड़ी के कंट्रास्ट में लगाया, यानी कि गाड़ी वाइट कलर के और ब्लैक कलर के हमने इसमें स्पॉइलर लगाया। वाइट में भी ऑप्शन अपने पास होता है, ग्रे में भी ऑप्शन होता है, बट वाइट में कलर सेम नहीं होता, 19-20 का फर्क आता है। ये काम तो इस गाड़ी के अंदर बाहर से हुआ है, अंदर जो इस गाड़ी के अंदर है, सिर्फ इसमें एक पेयर स्पीकर लगा ओनली फॉर फ्रंट में। ओके, क्योंकि इनको रियर में कह रहे कि मेरे को फ्रंट में ही बहुत अच्छा साउंड है, रियर में मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ फ्रंट में इसके अंदर एक पेयर इनफिनिटी का 6 इंची स्पीकर लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कार के अंदर, आपको बताना चाहता हूँ जो कार के अंदर क्या क्या काम हुआ है, मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद इसमें लगाया गया है अपना एंड्रॉयड सिस्टम है 232। ठीक है, ये ग्लोसी फ्रेम है। फ्रेम के बाद इसमें स्टेयरिंग कवर रैप किया गया, आपको दिखाना चाहूँगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्टिचिंग। सीट कवर स्क्रीन टाइट फिट लगाया गया, आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सीट कवर है। सीट कवर के बाद इसमें आर्मरेस्ट लगाया गया है, ये आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट के बाद इसके नीचे फ्लोरिंग किया गया है। ठीक है, ये फ्लोरिंग हुआ इस गाड़ी के अंदर, और बस यही काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है, ज़्यादा कोई इसमें हाईफाई काम नहीं हुआ है। जबकि इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी अभी नहीं लगाया है, पावर विंडो भी पीछे का नहीं लगाया है। वो कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम में मैं दोबारा काम करा लूँगा। तो ये तो हो गया इस वाली गाड़ी का पंच का बात। अब चलते हैं सेकंड पंच, जो वाइट है, जो उत्तम नगर से आए हैं ये। हमारे भौजी हैं जो कि उत्तम नगर से आए हैं गाड़ी लेके। ठीक है सर, का भी रिव्यू लेंगे अभी हम, उनसे भी जानेंगे। इस गाड़ी के अंदर भी दिखाना चाहता हूँ, जो इस गाड़ी के अंदर भी उतना मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉग लाइट दिखाना चाहूंगा। ओके, फॉग लाइट लगाया है, इसमें ग्लोसी किट भी नहीं लगाया। ओके, फ्रंट में सिर्फ फॉग लाइट लगाया है। तो भाई कंपैरिजन आपको मैं खड़े हाथ दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नहीं है और यहाँ पर लगाया है, तो ये फर्क आ जाता है। अगर आप ग्लोसी किट लगाते हो तो गाड़ी की थोड़ी सी अलग लुक आ जाती है, आप ये देख सकते हो। व्हील कवर इस वाली गाड़ी पे लगाए गए हैं, इस पे नहीं लगाए गए। ठीक है, तो जिसको व्हील कवर लगवाने वो यहाँ पर लगा सकता है। कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं वापस, क्यों, इसीलिए मैंने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करवाई है। यहाँ पर ग्लॉसी किट लगा है, यहाँ पर ग्लॉसी किट नहीं है, तो ये देख सकते हो पूरा रफ में है। यहाँ पर ग्लॉसी किट है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लोअर गार्निश इस वाली गाड़ी में अपने यहाँ पर मिल रहा है, इस वाली गाड़ी में लोअर गार्निश आपको देखने के नहीं मिल रहा है। रेंज वाइजर तो देखो दोनों पर लगा चुके हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइनिंग के हैं ये, आप देख सकते हो यहाँ पर हनीकॉम में आया है और यहाँ पर पंच की बैजिंग के साथ वाला आया है। रूफ रेल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि हमने गैलियो की लगाई है, और इस वाली पर नहीं है। ठीक है, डोर गार्ड तो देखो अलग अलग टाइप के मिल जाता है, अलग अलग डिज़ाइन के मिल जाता है, ये आप दोनों यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और पीछे आपने देख लिया प्लेन आता है भाई, ऐसा जो कंपनी से ओरिजिनली आता है, बट आप इसको यहाँ पर ऐसे जो स्पॉइलर्स हैं वो लगवा सकते हो।
यहाँ पर बम्पर गार्ड जो है वो अभी फिटिंग हो रही है और इसमें आता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिखाऊँ यहाँ पे नहीं आया, बट हाँ यहाँ पर लगा दिया गया, तो ये लगा सकते हो। डिफ्यूज़र आज दोनों गाड़ियों में नहीं है, बट आप डिफ्यूज़र भी लगा सकते हैं। अब अंदर दिखाएं, उसके बाद वही है, अंदर भी वही काम है इसमें, जैसे कि अंदर इसमें हमने लगाया है अपना सीट कवर लगाया है इसके अंदर, ठीक है। सीट कवर लगाने के बाद इसमें स्टीयरिंग कवर लगाया गया है, ओके, और एंड्रॉइड सिस्टम लगाया है, ठीक है, और चारों दरवाजे में स्पीकर लगा है। स्पीकर कौन से लगाया भैया हमने? स्पीकर इसमें लगाया है मिंडा कंपनी का, मिंडा कंपनी के स्पीकर जो है वो लगाया गया है। तो टोटल ये, और इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगाया गया है, बट ये फ्लिप की वाली नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल लॉकिंग लगाया है, बट नॉर्मल सेंट्रल लॉकिंग है, फ्लिप की नहीं है, ठीक है। तो ये काम इस गाड़ी में हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों गाड़ी की 25 समथिंग के आसपास है दोनों गाड़ी में। बाकी जो है पीछे हमारे भौजी खड़े हैं जो इस कार के ओनर हैं, वो बताएंगे काम और क्वालिटी के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कारखाना पे आपका। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रभु यादव है जी, और आप उत्तम नगर से आए? उत्तम नगर से आया हूँ, वैसे मैं बेसिकली बिहार से रहने वाला हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, लेकिन यहाँ भी मकान बना हुआ है मेरा, तो वहीं से आया हूँ। तो सर पंच का बेस वेरिएंट आप लेके आए यहाँ पर? हाँ। और इसमें आज जो भी मॉडिफिकेशन कराई है 20-25 हज़ार रुपये का मेरे ख्याल से बिल है, बजट था आपका। इसमें जो भी काम हुआ, ये सारा काम आपको कैसा लगा सर? नहीं अच्छा लगा, अच्छा सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं ना? सेटिस्फाइड, यानी कि कम बजट में भी काम अपने पास यहाँ पर हो जाता है। हाँ, अच्छा काम, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है बाद में आ जाएगा। हाँ वो तो सर आराम से हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम में जब भी आएंगे उसका जो चक्कर है वो लग जाएगा, और दूसरी बारी में वो सारी चीज़ें लग जाएंगी जो अभी नहीं लग पाया। तो सर इस काम से खुश हो आप? हाँ सही है, खुश हूँ, क्योंकि इसमें इस नेक्स्ट मतलब कि इसका लुक यदि मैं लेता इसका ऊपर का मॉडल, ऊपर का मॉडल, तो कम से कम 80-85 हज़ार एक्स्ट्रा लेना पड़ता। बिल्कुल सही है, जबकि हमें करीब 40 लगा दूंगा तो मेरे को ये मतलब उससे भी ऊपर वाला। हाँ उससे भी, उससे ऊपर ही मामला पहुँच जाएगा। हाँ तो अगर आपका बजट कुछ भी हो, 20 हज़ार हो 25 हज़ार हो 30 हज़ार हो, हर बजट में यहाँ पर काम होता है। आपके बजट के अंदर पंच में काम हो सकता है, ये आपने आज इन दोनों गाड़ियों में देख लिया। एक गाड़ी तो अभी चली गई है और दूसरी गाड़ी यहाँ पर है, तो ये भी बस अब जाने वाली है, बिलिंग का उनका रह गया है। तो इस कम बजट में भी आप अपने हिसाब से चीज़ों को लगा सकते हैं। ये तो आपने देख लिया कि भाई 20-25 हज़ार रुपये में क्या क्या चीज़ें आपकी गाड़ी में लग सकती हैं, बट अगर उससे भी ऊपर का अगर प्लान है आपका, तो उसके लिए आप संजय भैया से डायरेक्ट पूछ सकते हो, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में भी आप पूछ लोगे तो उसके जवाब आपको मिल जाएंगे, या फिर संजय भैया को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक कर दें अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो, और मेरे चैनल कारखाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।